कम तो वो करेंगे। चलो आप लोग जितना ज्यादा रखेंगे ना उतनी जल्दी जल्दी लेके आएंगे ना, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे। चलो आप लोग ज्यादा ज्यादा कमेंट करो। पटाखे मार रही है। और बताओ इसको करने से कोई बाइक के इंजन में कोई हार्म, कोई नुकसान, कोई दिक्कत कुछ ऐसा आपको कैसा लगा? भाई ये BS3 है तो बावली हुई पड़ी है बाइक। मजा इसी बाइक को चलाने में आ रहा है ना। इसको इंडियन ब्रांड है अपना। चलो ये एक बढ़िया एग्जांपल दे दिया। अब इंडियन ब्रांड में गेस करो आप लोग कौन सा है। क्लच लेस अपशिफ्ट डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ ना, फील हो रहा है भाई स्लीपर क्लच वाला। हे गाइस वेलकम बैक सुप्रीत व्लॉग। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम इन दिल्ली वाला कह लो या इंडिया कह लो, भाई मैंने तो अभी तक ना पहली बार ऐसा देखा है। RS 200 हो गई, NS 200 हो गई, RC 200 हो गई, तीनों ही बाइकों के अंदर कंपनी वाले स्लीपर क्लच नहीं देते हैं। बट आज जो मेरे सामने खड़ी है बजाज पल्सर NS 200 2012-13 का वेरिएंट है ये। और ये बाइक है हमारे अख्तर भाई की, शाहरुख भाई की, प्रो बाइकिंग, जहाँ पे मैं करवाता हूँ सर्विसिंग। थोड़ा नीचे करो ये। तो मैं भाई आया हुआ था ड्यूक में और अपाचे में कुछ काम करवाना था हमें, तो यहाँ पे मैंने इनकी वीडियो भी देखी थी। मैंने कहा यार अख्तर भाई आपने इसमें स्लीपर क्लच लगाया? कह रहे हाँ भाई मैंने इसमें स्लीपर क्लच लगाया। मैं कहा सही चल रहा है? कह रहे बेस्ट चल रहा है एकदम। मैंने कहा सही है यार मैं चला के देखूँ? कह रहे हाँ बनाओ वीडियो बनाओ। तो भाई मैंने इसको पहले टेस्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर अच्छा चल रहा है, फिर अपनी RS में भी लगवाऊंगा। RS में जब लगेगा तब आपको प्रॉपर प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे 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 लगाए। बाकी इस वीडियो के अंदर बेसिक बता दूंगा कि इसके अंदर जो क्लच प्लेट का जो हब है वो चीज़ें चेंज करी हैं इन्होंने। चलते हैं अब चलाते हुए बात करते हैं, देखते हैं चलाने में क्या फर्क आया है। अब मिलते हैं GoPro पे। सबसे पहले भाई देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा बाइक के बारे में, ये BS3 बाइक है, बटन बंद करते ही मीटर बंद हो जाता है। भाई अगर क्लच की बात करी जाए ना, एक चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ क्लच दबाने पे जो एक फीडबैक है ना, एक जो मतलब वो वाला होना चाहिए सॉफ्ट वाला, वो चीज़ फील हो रही है। थोड़ा इसको आगे करूँ, बहुत पास चल रहा है। अरे सॉरी वन पे करना पड़ेगा। अब ठीक है, जैसे क्लच को दबाते हैं जो स्लीपर क्लच की सॉफ्टनेस होती है ना वो चीज़ फील हो रही है। थोड़ी इसकी वायर ख़राब है इसलिए हल्का हार्ड लग रहा है। लेट्स गो मैन। भाई इसमें पावर कितनी सही फील हो रही है इस बाइक में, BS3 में। ओ भाई बैठते ही बाइक ने फील करवा दिया भाई। इस बाइक में दम कितना है इसके अंदर, ड्यूक 390 का भाई ने वो भी डाल रखा, क्या बोलते हैं उसको, एग्जॉस्ट। ब्रेक बहुत कम है इसके में, तो ब्रेक ही नहीं है कम क्या। चलो मैं मेन तो अपना टारगेट है स्लीपर क्लच देखना मुझे कैसा चलता है। भाई साहब क्लच लेस अपशिफ्ट डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ ना, फील हो रहा है भाई स्लीपर क्लच वाला। भाई ये तो बहुत तगड़ी चीज लगा दी यार अख्तर भाई ने, कसम से, मतलब दिस इज अनएक्सपेक्टेड। आप ये लगा लो बिना क्लच के डाउन शिफ्ट करो। अख्तर भाई कह रहे थे स्लीपर क्लच का बेसिकली काम यही होता है, अगर आप बिना क्लच दबाई भी अगर ऐसे बिना किसी चीज के भी बिना कोई शिफ्टर के भी डाउन मार दोगे ले लेगी। भाई ले रही है बाइक यार, इसमें पावर कितनी इंसेन फील हो रही है। भाई कोई व्हील लॉक वाली दिक्कत, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। मेन जो सबसे बड़ा डिफरेंस मेरे को फील हो रहा है ना इस बाइक के अंदर, सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस हो रहा है फील, वो ये हो रहा है कि इसका जो क्लच का फीडबैक है वो बहुत लाइट हो गया है। अगर मैं इस बाइक को ट्रैफिक में राइड करूँगा ना तो ट्रैफिक में चलाने में मेरे को ऐसा फील नहीं होने वाला है कि भाई मेरी उंगलियों पे पेन हो रहा है। पर्सनली मैं एक बात बताऊंगा, मेरे को मैं जब अपनी RS चलाता हूँ ज़्यादा ट्रैफिक में तो मुझे यार ऐसा लगता है कि यार उसके मतलब क्लच में ना मज़ा नहीं आ रहा है, वो फील होता है कि यार बहुत हैवी हैगा। इसका क्लच बहुत लाइट फील हो रहा है। और साथ के साथ एक चीज़ और है, देखो जैसे मैं यहाँ पे मैंने लीन कर रखी थी हल्की सी, वीडियो में हल्की दिख रही होगी बट रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा थी। ये देखो ओ भाई पटाखे मार रही है।
नाइस यार, मतलब गियर फंस नहीं रहे हैं, क्लच लेस, अब शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहे हैं यार। ये चीज़ तो अख्तर भाई ने बड़ी जोर की कर दी यार। और अभी ना मैं आपको आने वाले टाइम में इससे भी तगड़े तगड़े कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाने वाला हूँ मेरे चैनल पे, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डिटेल में देखना है ना कि ये स्लीपर क्लच इंस्टॉल कैसे हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज हुई है, अगर मैं नॉर्मली बेसिक बता दूँ तो आपको इसके अंदर जो हब होता है पूरा नीचे की तरफ क्लच प्लेट जहाँ पे लगती है क्लच प्लेटें चेंज हुई है, सारा प्रोसेस सारी चीज़ें सेम हुई हैं। और अभी मेरे को भी ये नहीं पता कि इस बाइक के अंदर किस बाइक का स्लीपर क्लच इंस्टॉल करा गया जो इतना स्मूथली इतना परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो ये चीज़ मैं अख्तर भाई से पूछूंगा, देखता हूँ वो बताते हैं क्या किसका करा है किसका नहीं करा या सरप्राइज रखते हैं। और दूसरी चीज़ भाई, ये काम कितने का होता है कितने का नहीं होता, उन सारी चीज़ों के लिए कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ये अख्तर भाई के चैनल पर विजिट कर लेना, AS Pro Biking के नाम से इनका चैनल है। मुझे भाई एक भाई ने सजेस्ट करा था जब मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में था, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, बाइक का काम एक नंबर का करते हैं, ये मत सोचना मैं काम करवाता हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बोल रहा हूँ। क्या चल रही है यार, मतलब ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि क्विक शिफ्टर वाली बाइक चला रहा हूँ मैं, इतने स्मूथ अपशिफ्ट डाउन शिफ्ट का मज़ा ले रहा हूँ ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो काम आज तक बजाज नहीं कर पाया वो काम भाई अख्तर भाई ने कर दिखाया, ना बजाज से हुआ ये काम ना KTM से हुआ अपनी RC में। भाई आप एक चीज़ देखो ना, मैं जब अपशिफ्ट कर रहा हूँ ना तो आपको एक स्मूथनेस फील होनी चाहिए, वो मैं वीडियो में यार बोल के नहीं समझा सकता, बट वो चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ जब जब मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, आपको कहीं पर RPM फ्लक्चुएशन नहीं देखने के लिए मिलेगी, कोई गियर अटक नहीं रहा है। नाइस मैन, और ऊपर से भाई ये BS3 है तो बावली हुई पड़ी है बाइक, मजा ही थी बाइक को चलाने मारा है ना इसको, सौरभ भाई वाली NS चलाने में वो BS6 Phase 2 है, ये वाली बातचीत नहीं है भाई जो इसके अंदर है, तो खिंच रही है भाई एक ही गियर पे पागलों की तरह। और लाउड भी बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम लाउड, लाउड हुई पड़ी है एकदम, थ्रोटल देने पे चिल्लाती हुई भग रही है। मैं लिटरली बता रहा हूँ इस बाइक को चला के मुझे एक चीज़ तो फील हो रही है कि अगर स्लीपर क्लच बाइक में नहीं होता ना तो कितनी दिक्कत की बात है, ये एक स्लीपर क्लच का होना कितना ज़रूरी है भाई। मैं अपनी ना RS में इस चीज़ से बड़ा परेशान था, मैं जब जब उसे जाम में चलाता था इसी चीज़ को कोसता था, यार क्या यार बजाज तुमसे एक स्लीपर क्लच नहीं दिया गया, एटलीस्ट कम से कम एक स्लीपर क्लच तो दे ही देते भाई, ये काम अख्तर भाई ने करके मज़ा बांध दिया है। देखना 4000 RPM छठे गियर पे, चलो डाउन शिफ्ट मारते हैं, भाई नाइस यार। इस चीज़ को अगर आपको डिटेल में देखना है ना इस पूरे प्रोसेस को ये हुआ कैसे है, तो डेफिनेटली आप अख्तर भाई के चैनल पर विजिट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के आ गया, आके मैंने खड़ी कर दिया, बीच में कैमरा बंद हो गया था, पर भाई ये अब हम आ चुके हैं शाहरुख भाई अख्तर भाई के पास। कैसे हो शाहरुख भाई? एक नंबर मेरे भाई, आप बताओ कैसे हो? मैं बस बहुत बढ़िया, और अख्तर भाई आप कैसे हो? भाई मैं ही बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो भाई हमारे वैसे बेसिकली अपाचे पे ना RR की एक बेसिक छोटा मोटा सा काम करवाना था, इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा था इसका, तो मेरे को पता चला भाई ने स्लीपर क्लच डाला, मैंने वीडियो देखी थी तो मैं उसे चला के आया। तो भाई मैं सबसे पहले तो ये बताओ भाई, आइडिया कहाँ से लेके आए हो एकदम से, मतलब हम तो बड़े दुखी थे इस चीज़ से। भाई आइडिया देखो दिमाग में आते रहते हैं, क्योंकि NS 2012 से चला रहा हूँ तो मैंने सोचा कुछ नया करता, कुछ घातक करते हैं, मतलब बड़ा हाँ। करते हैं ना भाई, अभी तो ये शुरुआत है, छोटी सी जो स्लीपर क्लच डला है, ठीक है? मैंने बोला ऑडियंस को, मैंने कहा ये अभी शुरुआत है, तगड़ी तगड़ी चीजें दिखाएंगे कुछ। NS पर बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें लेके आने वाले हैं, और NS पे भी, और फर्स्ट इन इंडिया वाला सिस्टम भी रहेगा पीछे, वो भी तैयार कर दिया, स्टार्ट हो चुकी है वो भी, इस पे भी भाई 4 बन चुके हैं पार्ट और कंटिन्यू बना रहे हैं, इसको भी एक नंबर बनाएंगे, और दिल्ली में तो आप अपने शॉर्ट वगैरह में बता देना। हाँ, बहुत ही कम है, बहुत रेयर बाइक है भाई, इसके ऊपर आपको टेक्निकल वीडियो देखनी हो तो भाई के पास देख लेना, वो मैकेनिकल जो भी कुछ हो भाई ने कर रखा है। NS का बताओ सबसे पहले, किस बाइक का स्लीपर क्लच चल रहा है इसमें भाई? ये सस्पेंस रहने दो अभी, ये सस्पेंस आएंगे। हाँ, जो बात होगी वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, अपने चैनल पे। अच्छा, आप बताओगे? चलो तो भाई अपने चैनल पे डिस्क्लोज करेंगे कौन सी बाइक का है, मुझे भी नहीं बताया भाई अभी, व्यूअर्स कमेंट करके बता सकते हैं अपने अपने। आप लोग गैस करो। अच्छा चलो इतना बताओ, बजाज का है, TVS का है, कावासाकी का है? वीडियो में बताया हुआ है। आपने TVS बोल रखा है कहीं RR310 का तो नहीं है? हो सकता है भाई, सही 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 जा रहे हो, सही जा रहे हो, हो भी सकता है। इंडियन ब्रांड है अपना,
चलो ये एक बढ़िया एग्जांपल दे दिया। अब इंडियन ब्रांड में गेस करो आप लोग कौन सा है। अब अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ना शाहरुख भाई एक भी प्रॉब्लम नहीं लगी उसके साथ, एकदम मस्त चल रहा है। ये मेरा क्वेश्चन था कि प्रीत भाई आपको बाइक चलाने में कैसी लगी। मेरे को तो भाई देखो पर्सनली ना तो एक्सेलरेशन में कोई कमी लगी ना फिर गियर शिफ्टिंग में कोई कमी लगी, बल्कि गियर एक नॉर्मल एनएस से ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं इसके। अभी मैं कल परसों एनएस ही चला रहा था, मेरे पास थी एनएस एक दो दिन से, मैं उसी को चला रहा था, उससे मैं इस पे देखो पावर का तो ऑब्वियसली फर्क है, बट स्मूथनेस गियर शिफ्टिंग में और क्लच में मुझे इसमें ज्यादा फील हो रही है। यही देख के तो हमने करा था पहले वाले में, क्या क्लच एक टाइम पे बहुत हार्ड हुआ था। हाँ तो ट्रैफिक में ना कहीं हाथ के वहां टक जाती है, और रही बात गियर की तो वो फिर ना गर्म होने हमेशा गियर हार्ड होते हैं। हाँ किसी को देखकर थोड़ा दिमाग में कुछ करें कुछ करें कुछ करें। 2012 से गाड़ी चलाए अभी तक बजाज ने कुछ करा नहीं सर, एफआई दे दिया, एबीएस दे दिए, मीटर चेंज कर दिए, कलर भी बना दिए, यूएसटी दे दिए, तो यार इंजन में जो कलर होता है जिसकी गाड़ी में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान ही नहीं दिया आज तक का। मैं तो 390 चलाने वाला हूँ, अब मैं अपनी आरएस चलाता हूँ, अभी लगा लो 10 मिनट जाम में फंस जाता ऐसा लगता है मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, मजा नहीं आ रहा। अब ये चीज देखो ना हर कंपनी अपडेट कर रही है बजाज को छोड़ के, छोटी छोटी बाइक की जो ऐसे बात करें हीरो जैसे छोटा ब्रांड है वो भी सिले पर दे रहा है। हाँ सही बात है, सोच के हमने लगा इसमें क्या करें ऐसा जो हम कुछ कर दे जो बजाज नहीं कर पाए। सही बात है, आज हमने एक नया प्रोजेक्ट निकाला है। अच्छा और इसका एक थोड़ा मुझे बताओ कितने तक का होगा ये काम। यार देखो ये कोई जब प्रोजेक्ट बनता है ना तो उसमें पैसा नहीं देखा जाता। हाँ चल नहीं जैसे किसी मेरे भाई को करवाना हो तो उसके लिए तो आ जाएगा 3,000-3,500 खर्चा। चलो एक रफ आइडिया है, बाकी बाकी एक्यूरेट की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है अपने चैनल पे इस बाइक में प्रॉपर डिटेल में उसमें आप बता देना है ना कौन सी गाड़ी का है, कितने का प्राइस है, कितना खर्चा आएगा, ठीक है किसी को लेके जाना तो ही मिल जाएगा। अच्छा आप दे दोगे अपने मैकेनिक से लगवा लो, अब वो तुम्हारे मैकेनिक पे लगा पाए ना लगा पाए वो एक अलग चीज है, बाकी हम दे देंगे अपना अरेंज कर देंगे। कुरियर कर दोगे ना हमारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, वीडियो देख के लगा भी सकते हो ये भी सही है। तो मुझे ये चीज भाई मतलब पर्सनली बहुत सही पसंद आई है, अब मैं तो चाहता हूँ एक काम और कर दो मेरी वाली में यूएसडी और लगवा रहे हैं मुझे अब उसके अंदर आगे भाई बिल्कुल बिल्कुल लगेगा भाई यूएसडी लगेंगे ना। एक एनएस में आपने लगाए थे वो अरेंज हो सकते हैं उस पर करें वीडियो किसी दिन मिल सकती है। चलो ये भी ठीक है, दो मिनट में नहीं वीडियो 2 मिनट की बना देंगे। बाकी अच्छा एक चीज और बताओ इसको करने से कोई बाइक के इंजन में कोई हार्म कोई नुकसान कोई दिक्कत कुछ ऐसा आपको कैसा लगा। मुझे तो दिक्कत नहीं लगी, कोई बेनिफिट लगा। बेनिफिट तो बहुत लगा, यही है कितने टाइम से चला रहा शाहरुख भाई लगा के इसे भाई इसे तो हो गया एक हफ्ता करीब, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया और वीडियो डाले भी मेरे को 3-4 दिन हुए लेकिन उससे पहले हम चला रहे हैं उससे बनाए वीडियो डल वीडियो से काफी पहले काम कर लेते हैं, वीडियो तो ऊपर नीचे चलते हैं ना वीडियो तो बाद में टेस्ट कर लेते हैं। मतलब बढ़िया चल रहा है एकदम, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी। मैं आप लोगों के एंड पे जानना चाहता हूँ कि मतलब कोई दिक्कत वगैरह कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब तो देख लो भाई अगर स्लीपर क्लच लगवाना है तो आप लोग बताओ अपनी आरएस में लगवाऊं ना लगवाऊं। भाई तो कह रहे हैं लगाएंगे, मैं भी कह रहा हूँ लगवाते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए। अगर वीडियो पे कितने कमेंट गेस करें कितने कमेंट आएंगे तो लगवाएंगे बताओ भाई, वो तो आपके पब्लिक को बताओ आप लोग। मैं 50 कर दो 50,000 50,000 ज्यादा करना चाहिए कम तो करेंगे। सही बात है, जितना ज्यादा रखेंगे ना उतनी जल्दी जल्दी लेके आए ना जितने ज्यादा कमेंट आएंगे। चलो आप लोग ज्यादा ज्यादा कमेंट करो और भाई के चैनल पे जाके सपोर्ट करो, वहाँ जाके वीडियो देखो आपको समझ में आएगा क्या चीज कैसे करी गई है, और आपके लिए नई नई चीज आने वाली है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।